कोई भी सफल संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज या किताब की तरह होता है जिसे किसी भी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सके। विश्व के तमाम देशों की ही तरह भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण हमारा संविधान धार्मिक या कानून की किसी बंद पड़ी किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। हमारे संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि संसद संविधान के मूल ढांचे या कहें कि संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचों से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साल 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रतिपादित किया। 26 जनवरी 1950 से अपनाए गए हमारे संविधान में अब तक कई संशोधन कर बेहद महत्वपूर्ण बदलाव किए जा चुके हैं। अब तक हुए इन संशोधनों की शुरुआत हुई थी साल 1951 में, जब हमने पहली बार अपने संविधान में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों के तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था तथा भूमि सुधार पर बदलाव किए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया। इस संशोधन से द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई और इसके स्थान पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इस संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1966 में किए गए 18वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को या किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बने। वहीं 1971 में किए गए 24वें संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत देसी राजाओं के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स की सुविधा को समाप्त कर दिया गया, जबकि 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, जिसका कारण वर्ष 1971 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि थी। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान को संशोधित करने के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है।
इस संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। एक नए भाग 4 कौ में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्ति में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 साल की बढ़ोतरी की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। 43वें संविधान संशोधन के तहत न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनर्स्थापित कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनर्स्थापित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकने की व्यवस्था की गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जबकि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। गांधी जी के सपने को 1992 में किए गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायती नाम से नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें 29 विषय थे। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के तहत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नत के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा के अधिकार को लेकर जो निर्देश राज्य को दिए गए थे उसे साल 2000 में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 से उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलिजियम प्रणाली के स्थान पर एक निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया। 101वां संविधान संशोधन 2017 से वस्तु व सेवा कर GST की शुरुआत की गई। यह GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। वहीं 2019 में अब तक किए गए 103वें संशोधन द्वारा स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो साथियों, ये थे अब तक भारतीय संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जिससे हमने अपने संविधान को और अधिक सफल और समावेशी बनाया है।